कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव उपचार से बेहतर है। मेरा इशारा यहाँ कोरोना वायरस की तरफ है, जिसको दुनिया में दहशत मचाते 3 महीने होने वाले हैं और अभी तक कोई वैक्सीनेशन या एंटीडॉट नहीं मिल पाया है। ये जानलेवा वायरस अब भारत में भी अपना कहर फैला रहा है। दिन भर अलग अलग राज्यों में नए मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का अभी तक कोई उपचार नहीं मिला। इसीलिए इस बीमारी से लड़ने के लिए दो ही हथियार हैं, जानकारी और बचाव। सबसे पहले मैं बात करूंगी इंडिया की करंट अपडेट्स को लेकर। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके मन में चलने वाले बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके सपोर्ट के बिना इस तरह की अवेयरनेस वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं भारत में बढ़ रहे केसेस को लेकर। इस समय दुनिया भर में लगभग 125,000 लोग इस वायरस की चपेट में हैं और 4,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। चीन से शुरू हुआ कोरोना का कोहराम अब भारत के लिए भी उतना ही खतरा बन चुका है। भारत में इस वक्त कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 47 पहुंच गया है। स्क्रीन पर आपको इसका स्टेट वाइज ब्रेकडाउन अभी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, डरना नहीं है, पर हमें अपने राज्यों और अपने आसपास के बारे में जागरूक रहना जरूरी है, और साथ ही आसपास वालों को जागरूक करना भी। अगर कोई जानकारी आपको है तो उस जानकारी को अपने सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, पर खबर वही शेयर करें जो वास्तव में हो, र्यूमर्स का शिकार ना बने। अब सवाल आता है कि कोरोना वायरस का टेस्ट कब करवाएं? मैं जानती हूँ इस मौसम में खांसी जुखाम आम है, तो क्या पहली छींक आते ही टेस्ट करवाने चले जाएं? तो इसका जवाब है नहीं। कोरोना के कुछ खास लक्षण होते हैं, पर ऐसा जरूर है कि 80% ऑफ द टाइम कोरोना वायरस पेशेंट को वही सिम्टम्स होते हैं जो एक नॉर्मल फ्लू वाले पेशेंट्स को होते हैं। एवरी टाइम इन इंडिया देयर आर फ्यू मिलियन पीपल विद कफ एंड कोल्ड, और सभी ब्लड टेस्ट के लिए चले जाएं तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। जाना सिर्फ तभी है अगर कुछ गंभीर लक्षण वो महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस वायरस के लक्षण हैं क्या। पहला, अचानक आपको तेज बुखार आए और सांस लेने में तकलीफ हो। दूसरा, बहुत ज्यादा सूखी खांसी और जुखाम हो। ध्यान दे, सूखी खांसी। तीसरा, किडनी और लीवर में तकलीफ हो। चौथा, निमोनिया के लक्षण सामने आए। इन सिम्टम्स का आप ध्यान रखें, पैनिक नहीं करना है, जागरूक और अवेयर रहने की जरूरत है। सब इसी कोशिश में है कि जल्दी से यह महामारी खत्म हो जाए। तो आखिर कोरोना का खतरा कब तक खत्म होगा?